भारत में हजारों किसान राजधानी दिल्ली की सीमा पर 3 महीनों से धरना दे रहे हैं। ये लोग भारत सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कृषि क्षेत्र को कारोबारियों के लिए खोले जाने से अनाजों की न्यूनतम तय कीमत पर असर होगा और उन्हें खत्म किया जा सकता है। किसान जर्मनी में भी विरोध कर रहे हैं, राजधानी बर्लिन के बीचों बीच संसद के बगल में ब्रांडेनबुर्ग गेट पर। जर्मन किसान भी सरकार के लाए नियमों का विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सरकार उन्हें परेशान कर रही है और खेती की रोज नई शर्तों के कारण वे बाजार में टिक नहीं पा रहे हैं। छोटे किसानों के लिए तो जीना दूभर है। भारत का उत्तरी राज्य हरियाणा। प्रदीप और उनके ताऊ देवेंद्र हुड्डा अभी भी अपने हाथों से फसल उगाते हैं। उन जैसे भारत के लाखों दूसरे किसान बिना किसी मशीनी मदद के खेती करते हैं। फिलहाल वे अपने परिवार का खर्च उठाने में सक्षम हैं, लेकिन उन्हें डर है कि नए कानून के लागू होने पर उनकी फसल की कीमत कम हो जाएगी। अब तक भारत में कृषि उत्पादों का बाजार सरकारी नियमों से चलता है। बहुत से किसानों को डर है कि यदि बाजार खुल गया तो उनकी नहीं बल्कि बड़े उद्यमियों की चलेगी। मेरे पे बुरा असर यही आएगा कि जो मैं एक अपना टारगेट लेकर चलता हूँ, मेरा इतना फसल होगा और वो इतने में बिक जाएगा, आगे मेरी श्योरिटी खत्म है। किस भाव में बिकेगा, क्या बिकेगा, मेरा का फ्यूचर का पता ही नहीं। लेकिन आज के दिन सरकार ने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर दिया है, ना उसकी फसल बिक रही और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए, खाद के दाम इतने बढ़ा दिए, बीज जब हम लेते हैं उसके दाम इतने बढ़ा दिए, उसमें बचत नहीं है अब खेती में। तो खेती करना तो बस ये है कि अगर रोजगार नहीं है ना तो खेती कर लो और क्या करोगे। ब्रांडेनबुर्ग बर्लिन के निकट जर्मनी का पूर्वी राज्य। यहाँ भी किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। जर्मनी में काम करने के सामाजिक और पर्यावरण कानून बड़े सख्त हैं और पिछले सालों में उन्हें और कड़ा कर दिया गया है। येन श्राइनिके कहते हैं कि उनके जैसे किसानों के लिए अब खेती करना असंभव होता जा रहा है। हम पर लगातार नए नियम नहीं लादे जा सकते और इन सख्त नियमों के बावजूद लगातार सस्ते प्रोडक्ट बाजार में आ रहे हैं जो जर्मनी के मुकाबले आसान मानकों के आधार पर उत्पादित हैं। उसके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते और सुपर बाजार चेन अपनी ताकत का इस्तेमाल इसका फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं। वापस भारत में हुड्डा परिवार खेती के अलावा मवेशी भी पालता है ताकि बड़े परिवार की जरूरतों को पूरा किया जा सके। वे संयुक्त परिवार में रहते हैं और कई पीढ़ियों से खेती में लगे हैं। 29 साल के प्रदीप हुड्डा ने टीचर्स ट्रेनिंग की है क्योंकि किसान के रूप में जीवन चलाना उन्हें सुरक्षित नहीं लग रहा। हालांकि टीचर की नौकरी भी आसान नहीं। इस सरकार में वो आदमी तो किसान को फायदे बता रहा जो आज तक कभी खेत में नहीं गया। अगर मोदी सरकार किसानों को फायदा करना चाहती है तो कोई तो एक नेता ऐसा हो जो खेत से रिलेटेड हो। एक भी नेता ऐसा नहीं है जो ये बता दे। सरकार तो कर रही है ना, हथकंडे अपना रही है, इन किसानों को कैसे गलत साबित करें। वो किसानों के हित में नहीं चल रहे, वो तो किसानों को उनमें कहीं ना कहीं फूट डालने के लिए विभिन्न तरीके से खालिस्तान है, कहीं बाहर से फंडिंग आ रही है, इनको तोड़ने के उसमें है, इनका समाधान करने के उसमें सरकार नहीं है। भारत और जर्मनी दोनों ही जगहों पर किसानों को सब्सिडी मिलती है। जर्मन किसानों को तो साल में अरबों यूरो यूरोपीय संघ से मिलते हैं ताकि उनका उत्पाद बाजार में टिक सके, यानी बाहर के सस्ते उत्पादों का मुकाबला कर सके। येन श्राइनिके का कहना है कि ये सब्सिडी काफी नहीं है। यदि हम जर्मनी के कई इलाकों में खेतों का किराया देखें, बिजली की कीमतें देखें, मजदूरों को दिया जाने वाला वेतन और मशीनों की कीमत देखें, तो हम इन मामलों में दुनिया की तुलना में बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। और फिर हमें दूसरों की अत्यंत कम कीमत से मुकाबला करना होता है। अनाज की कीमत सब्सिडी के बावजूद खर्च पूरा करने के लिए काफी नहीं है। येन श्राइनिके की पत्नी सैलून में हेयर ड्रेसर का काम करती है ताकि घर का खर्च चल सके। उनके 2 बड़े बच्चे हैं, लेकिन कोई भी खेती का काम नहीं करेगा। अभी हाल यह है कि भविष्य ही नहीं दिखता, हमारी राह में लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। भारत में दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन पिछले नवंबर महीने से चल रहा है। देवेंद्र हुड्डा और उनका भतीजा कई बार वहाँ जा चुके हैं, लेकिन अब सोचने लगे हैं कि क्या उन्हें फिर से वहाँ जाना चाहिए। उस समय परिवार की महिलाओं को खेती की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब तो मैडम 1 साल की बात है, हमारी 1 साल की फसल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जो कुछ होगा देखी जाएगी, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां तो है।
उनके लिए। अब भारत कृषि प्रधान देश बोला जा रहा है, वैसे तो ज़्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, पर उस किसान को ही अगर मार दिया जाएगा तो फिर आगे क्या होगा। हुडा परिवार किसानों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देते रहने के लिए तैयार है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार नए कृषि कानूनों को वापस ले लेगी और छोटे किसान भी खेती से कमा पाएंगे। यही उम्मीद करीब 6000 किलोमीटर दूर जर्मन किसान येंस श्राइनिके की भी है। वे विदेशों से आने वाले सस्ते उत्पादों में कमी चाहते हैं। यदि मैं कुछ मांग सकता तो मांगूंगा कि जर्मनी में सिर्फ उन उत्पादों को, अनाज या प्रोसेस्ड फूड को बेचने की इजाजत दें जिनका उत्पादन उन्हीं सामाजिक और पर्यावरण संबंधी नियमों के साथ हुआ है जो जर्मनी में लागू हैं। ये ऐसी मांग है जो खुले विश्व बाजार की भावना के खिलाफ है, और इस बीच भारत और जर्मनी के छोटे किसानों की हालत मुश्किल होती जा रही है।